हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते। सभी हमारे बीके नाइन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका पत्रकार सुधाकर सूर्यवंशी अभी हमारे बीके नाइन न्यूज से लाइव आ रहे मान्य श्री हुन्नाबाद डिवाइस पी शिवांशु राजपूत साहब। सब हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर जी। जी नमस्कार सर जी। जैसा कि अभी श्री गणेश जी का आगमन हो चुका है, आपकी ओर से जनता को और अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उनको कोसे कोसे कानून लाइन ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे सर उनको? सबसे पहले काफी सारी गाइडलाइंस सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इम्पोर्टेंटली लाउड स्पीकर के रिगार्डिंग। डीजे के बंद किए, डीजे के लिए परमिशन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और ऑर्डर और सरकार के नियम के अनुसार। उसके साथ ही जो लाउड स्पीकर को भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन डेसिबल लिमिट है उसके अंदर ही चला सकते हैं जी। और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उनसे परमिशन लेके जो भी पंडाल बनाते हैं परमिशन लेके बनाए, क्योंकि सुरक्षा, जनता की सुरक्षा का काफी उसमें ध्यान रखना होता है जी। जी कभी छोटे छोटे इनसे लापरवाही से आग लग जाती है, बिजली का झटका आ जाता है, तो इसको ध्यान रखें। और जो रूट आप बताते हैं प्रोसेशन का, वो जिस रूट को आपने पुलिस डिपार्टमेंट को बताया उसी से जाएं, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग बंदोबस्त प्लान करते हैं, आपको भी उसमें सहायता होती है और हम लोग का भी काम आसान होता है। जी किसी भी दूसरे जी। हाँ जी, जैसा कि डीवाईएसपी साहब, जैसे कि इस गणेश विसर्जन में क्या डीजे लगा सकते हैं, वो परमिशन दिया गया है क्या सर आपके पास? नो है, मतलब सरकार से और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से डीजे के लिए अलाउड नहीं है जी। बाद में कोई सरकार का नियम चेंज होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल डीजे के लिए कोई परमिशन नहीं है जी। जी जी शुक्रिया। अभी अभी हमारे बीके नाइन न्यूज से लाइव आकर माननीय श्री शिवांशु राजपूत साहब डिवाइस पी हुन्नाबाद जी ने हमारे बीके नाइन न्यूज से लाइव बातचीत की है। साहब जी धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू।